प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमिलनाडु में 11 नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे और इन मेडिकल कॉलेज के निर्माण में करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिनमें से लगभग 2145 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और बाकी तमिलनाडु सरकार ने खर्च किए। और ये मेडिकल कॉलेज विरुधुनगर, नमक्कल, नीलगिरी, तिरुपुर, तिरुवल्लुवर, नागपट्टिनम, डिंडीगुल, कल्लाकुर्ची, अलियालूर, रामनुथपुरम और कृष्णागुरी जिले में बने हैं। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के परिसर का भी उद्घाटन आज करने जा रहे हैं। और आज से नीट और नीट पीजी की जो काउंसलिंग है वो शुरू होने जा रही है। काउंसलिंग के शुरू होने से सबसे ज्यादा राहत रेजिडेंट डॉक्टर्स को मिलने वाली है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी कि जो एमसीसी है उसने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग का शेड्यूल अपलोड कर दिया। शेड्यूल के अनुसार पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए 17 जनवरी 2022 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप। नीट पीजी की काउंसलिंग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी ट्वीट किया है। इस काउंसलिंग में आरक्षण के नियमों का पालन किया जाएगा। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.